हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल ऐसी मैथ में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का मेरा टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फ्रेंड्स, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को बस दबाइए ताकि नए नए वीडियो की जानकारी मैं समय समय पर दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम का आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कह रहा है कि गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम है उसका 30% उसमें क्या है, शुगर सिरप है। क्लियर। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो कह रहा है कि यह बताइए कि 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना कंटेन होगा, वो आपको निकालना है। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ टू हेमी स्फेरिकल एंड्स। जो गुलाब जामुन है उसका शेप कैसा है, सिलिंड्रिकल शेप है और उस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर हेमी स्फीयर बना हुआ है। क्लियर। विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर, जिसका लेंथ कितना है गुलाब जामुन का, 5 सेंटीमीटर है, और गुलाब जामुन का डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर है। ये फिगर है, इसमें गुलाब जामुन है, ठीक है। और पत्ते गुलाब जामुन का जो शेप है कैसा है, सिलिंड्रिकल है, देख रहे हैं ना, और उसके दोनों एंड्स पर हेमी स्फीयर बना हुआ है। क्लियर। और इस गुलाब जामुन का टोटल लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर। तो क्लियर है, ये रेडियस, ये भी रेडियस है हेमीस्फीयर का, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये कितना हो जाएगा, 1.4 सेंटीमीटर होगा, डायमीटर का आधा। तो इसका भी लेंथ कितना होगा, 1.4, इसका भी लेंथ क्या होगा, 1.4, इसका भी लेंथ क्या होगा, 1.4। क्लियर है, जो रेडियस सिलेंडर का होगा वही रेडियस हेमीस्फीयर का होगा, राइट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट निकाल लेते हैं। तो हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट कैसे निकालेंगे, अब समझिए, हाइट निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इसकी लंबाई 1.4 है तो इसकी भी लंबाई कितना होगा, 1.4 होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसकी लंबाई 1.4 है क्योंकि यह रेडियस है तो इसकी भी लंबाई कितना होगा, 1.4 होगा। तो इस सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट निकल जाएगा, 5 में से 1.4 और 1.4 को ऐड करके माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। H इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट कितना होगा, 5 में से माइनस कर देंगे, किसको माइनस करेंगे हम, 1.4 प्लस 1.4 यानी 5 माइनस 2.8 यानी 2.2 सेंटीमीटर, ये निकल गया हाइट ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट। क्लियर। अब फ्रेंड, हमें रेडियस निकालना है, रेडियस कितना हो जाएगा, चूंकि डायमीटर दिया हुआ है 2.8 सेंटीमीटर, सो रेडियस कितना निकल जाएगा, रेडियस को मैं आसे नोट कर देता हूँ, तो रेडियस हो जाएगा 2.8 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन का सबसे पहले हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, जब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल जाएगा तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम भी निकल जाएगा। तो इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, देखिए आप, तो वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन इक्वल टू कैसे निकालेंगे, इस सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस, अब किसका वॉल्यूम निकालेंगे, इस हेमी स्फीयर का, वो एक हेमी स्फीयर का वॉल्यूम निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका भी वॉल्यूम निकल जाएगा। यहाँ लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, एंड एक हेमी स्फीयर का वॉल्यूम निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देने से दोनों का हेमी स्फीयर का वॉल्यूम निकल जाएगा, और इसका नाम मैं दे देता हूँ V1 दे देता हूँ, V1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए गुलाब जामुन। सो इम्प्लाइज V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट आप जानते हैं इसका फार्मूला, πr²h अब प्लस 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, इसका फार्मूला होता है 2/3 πr³, यानी इसको लिखा जा सकता है πr²h प्लस 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 4/3 πr³। अब कॉमन आप निकाल सकते हैं, कॉमन क्या आएगा दोनों में, πr² कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा h अब प्लस 4/3, यहाँ रह जाएगा सिंपली r, ठीक है। अब फ्रेंड, आपको क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए, तो πr² ये होगा 3h अब प्लस 4r बाय
3, इसका वैल्यू सबसे लास्ट में रखेंगे, इससे कैलकुलेशन और आसान हो जाता है। तो यहीं पर मैं छोड़ देता हूँ। तो वी वन कितना निकल गया, पाई आर स्क्वायर 3h+4r/3 सेंटीमीटर का क्यूब। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकल गया। अब मैं क्या निकालना चाहूँगा, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स का वॉल्यूम अब निकाल लेते हैं, इक्वल टू, अब किसको क्या करेंगे, 45 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 गुलाब, चूंकि ये वॉल्यूम किसका, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है, 45 का निकालना है, तो 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पाई आर स्क्वायर 3h+4r/3 क्लियर सेंटीमीटर क्यू। सो फ्रेंड, अब यहाँ पर सबका वैल्यू हम रख देते हैं, यहाँ रख दीजिए 45 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ है 1.4, तो रख दीजिए 1.4 का होल स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई एच का वैल्यू यानी हाइट कितना है 2.2 है, प्लस 4 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है 1.4 और डिवाइड बाय 3 यानी इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 22/7। इसको क्या लिख सकते हैं 1.4 का होल स्क्वायर को, इसको लिख सकते हैं 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 लिख सकते हैं ना, एंड इसको 3 को 2.2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6.6 आएगा, और 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5.6 आएगा, और डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, इसको लिखा जा सकता है 14/10 मल्टीप्लाई 14/10। अब मल्टीप्लाई जब दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा 12.2 डिवाइड बाय 3। फ्रेंड ये जो 14 है ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए 2, क्लियर। तो ये आएगा 45 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 डिवाइड बाय, देखिए 45 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 और मल्टीप्लाई इसको लिखा जा सकता है 122 एंड डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 30। 30 क्यों, चूँकि मैं यहाँ दशमलव को हटा दिया हूँ इसलिए इसके बदले में एक जीरो आएगा, चूँकि दशमलव के बाद एक अंक है इसलिए यहाँ पर एक जीरो आएगा। सो इसको लिख सकते हैं 122/30, क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स निकल गया राइट सेंटीमीटर का क्यू। अब हमें निकालना है कि इस वॉल्यूम में जो 45 गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम निकला उसमें शुगर ऑफ सिरप कितना कंटेन करता है, ये हमें निकालना है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है जितना वॉल्यूम होगा उसका 30% ही शुगर सिरप होगा गुलाब जामुन में। तो चलिए निकालते हैं क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। सो अब निकाल लेते हैं क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप। तो निकाल लेते हैं टोटल क्वांटिटी कितना होगा शुगर सिरप का, कितना होगा जितना वॉल्यूम है उसका 30% यानी 30% मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन्स इक्वल टू 30% को लिख सकते हैं 30/100 लिख सकते हैं ना, और वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन तो निकला हुआ है, इसको रख लिख दीजिए 45 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई 30, क्लियर। सो फ्रेंड एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो 30 देख रहे हैं ना, ये 30 इस 30 से कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया। तो कैंसिल करने के बाद 45 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 122 और डिवाइड बाय 1 पर कितना जीरो आएगा 4 जीरो आएगा राइट। अब सबको मैं क्या करता हूँ प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो सबको जब प्रोडक्ट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा प्रोडक्ट करने के बाद 3381840, ये वैल्यू आएगा 3381840 और डिवाइड बाय 1234 है, ये जीरो कैंसिल। अब नीचे कितना जीरो है 1230 है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए, तो लगाएंगे तो वैल्यू कितना आएगा 338.184 इक्वल टू 338 सेंटीमीटर क्यू अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि यहाँ अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मांगा जा रहा है इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली
वैल्यू तो कितना आया, 338.184 आया, लेकिन अप्रोक्सीमेट वैल्यू में चूंकि पॉइंट, ये जो पॉइंट के बाद जो नंबर है 184, ये 0.5 से कम है, इसलिए इसको मैं इग्नोर कर देता हूँ। इसलिए इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना आया, 338 सेंटीमीटर क्यू, ये निकल गया क्वांटिटी शुगर सिरप का। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।